हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पे मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड ऑफ प्रोडक्शन वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों इसके पहले के वीडियो में मैंने बात की थी पैसे की और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पैशन की और ऐसा मत समझ जाना कि भाई ये पैशन की बात करने लग गया बहुत बड़ा इंसान हो गया क्या ऐसा बिल्कुल मत समझना हम पैशन की बात तो ज़रूर कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट दिस डिस्कशन थ्रेड और ये पैशन की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों बिकॉज पैशन कुछ भी फॉर्म ले सकती है एंड वी डू आस्क दिस क्वेश्चन अलॉट हम काफी लोगों से पूछते हैं यार पैशन कैसी फैंड करो यार उसको तो पैशन मिल गई वो पैशन पे काम कर रहा है कर रही है मैं कैसे स्टार्ट करूँ मेरी पैशन क्या है ऐसे सवाल हमको बहुत पड़ते हैं ये जो किड़ा है ना दोस्तों ये पैशन के बारे में बात करने का ये मुझे कुछ दिनों पहले डेढ़ साल पहले करीबन दिवा विकास दिव्यार्ति सर का मैंने वीडियो देखा था उसमें मेरे को ये एक टॉपिक मिला वो बात कर रहे थे इस चीज़ की एंड देन ही पुट फॉरवर्ड सम पॉइंट्स विच वर रियली नाइस एंड आई विल डिस्कस दैट और फिर मैंने और लोगों को पूछना स्टार्ट किया बाद में कुछ और कॉन्टेंट मिला फिर चैट जी से पूछा अभी मैं बीच बीच में, में, में मेरे वाइफ के साथ भी बैठ के ऐसे डिस्कशन करता हूँ तो मेरे पास कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड आई रियली वॉन्ट Everybody on my channel to really listen to this video और एक कारण ये भी है कि मैं हमेशा जब भी वीडियो डाल रहा हूँ आजकल तो पहले तीन चार सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं और उसके बाद फिर बढ़ते हैं। शायद इस वीडियो के वो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा शायद सब्सक्राइबर्स कम तो नहीं होंगे एटलीस्ट और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैशन के बारे में कि पैशन ना अलग अलग ग्रुप लेती हैं ये तो मैंने बोला ही लेकिन कुछ कुछ लोगों को पैशन होती ही नहीं कुछ कुछ लोगों को बहुत सारी पैशंस होती हैं तो ये सारे सिनारी डिस्कस करने चाहिए और पैशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पैशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी एक्शंस आपको लेनी होती है ना इट्स इंपॉर्टेंट डैट यू टेक इट अर्ली इन योर लाइफ लाइक इन अर्ली ट्वेंटीज और प्रॉब्लली बिफोर मिड ट्वेंटीज़ क्योंकि उसके बाद ऑल ऑफ यू स्टार्ट टू सेटल डाउन अपॉन समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ प्रायोरिटीज थोड़ा फ्रंट सीट ले लेती है और अगर कुछ भी मटेरियलाइज करना है तो आपको पैशन आइडेंटिफाई करना या फिर उसके बारे में लाइफ डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल हमने पैसे की बात कर ली कि हर सेक्टर में पैसा नहीं है तो इस वजह से ये उसके बाद का वीडियो बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है कि हाँ हम पैशन की भी बात कर लें तो शुरू करते हैं जैसे कि मैंने बोला कि मैंने विकास दिव्यकृति सरकार जो यूपीएससी वाले हैं उनकी वीडियो देखी थी और उस वीडियो में उन्होंने ये बोला था दो चीज़ें बोली थी उन्होंने कि कैसे मूल व्यक्तित्व बोला था उन्होंने वो वीडियो आप देख सकते हो तो पैशन ही है वो तो पैशन कैसे फाइंड आउट करें तो एक चीज़ ये है कि अगर किसी इंसान को कुछ चीज़ करते करते अगर समय का भी ध्यान नहीं रहता वो पर्सन जो है ही लूज इज द टाइम सेंस ऑफ टाइम तो वो पैशन हो सकती है तो अगर ऐसे कुछ चीज़ है जो आप अगर स्ट्रगल करते हो कि समझने में कि आपकी पैशन क्या है तो ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करो कि जो करते करते आपको समय का भी ध्यान नहीं रहता तो ऐसे भी हो सकते है कि आपके आपको बातें करते करते समय का ध्यान नहीं रहता या फिर क्रिकेट खेलते खेलते ऐसा होता है तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है जब मैं कुछ खेलता हूँ क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ या फिर डांस करता हूँ शादी में तो ध्यान नहीं रहता या फिर थिएटर करता हूँ एक्टिंग करता हूँ जो भी है बोलना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन ये एक पहली चीज़ है जो आपको टेस्ट करवाएगी कि आपकी पैशन क्या हो सकती है दूसरी चीज़ जो जो उस वीडियो में जो विकास दिव्य कृति सर का वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उसमें उन्होंने बोली थी कि पैशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी राइट right? तो और ये करने के लिए आपको अर्ली ट्वेंटीज़ ही टारगेट करने पड़ेंगे ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि कोई पैदा हो जाता है उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरी पैशन है या फिर ये मैं लाइफ में करना चाहता हूँ लेकिन अगर आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे कि हाँ यार मैं पेंटिंग करके देखता हूँ मैं डांस करके देखता हूँ मैं मैथ्स पढ़ के देखता हूँ मैं इंजीनियरिंग करके देखता हूँ मैं फाइनेंस करके देखता हूँ या फिर मैं कुछ और कुछ भी चीज़ करके देखता हूँ और उसके बाद रिफ़्लेक्ट करना इन चीज़ों पर कि यार क्या सही में मुझे वो पसंद आया एक्साइट किया और फिर वो चुनना राइट वो आपकी पैशन टाइम बिंग भी हो सकती है तो ये भी समझ लो कि पैशन चेंज होती है पैशन वो कायम नहीं कायम स्वरूप नहीं रहती कि यार मैं ये कर रहा हूँ लाइफ टाइम में यही करूँगा ऐसा भी नहीं होता लोग चेंज भी कर लेते हैं अपना फील्ड और इसी वजह से आप देखते हो कई सारे इंजीनियर्स अच्छे अच्छे इंजीनियर्स भी अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं अलग अलग जो लोग हैं कि वो अपना करियर छोड़ के मैं बुक लिखने बैठ गया मैं एक्टिंग करने चला गया मैं डांस करने चला गया या फिर मैं इन्फ्लुएंसर बन गया फुल टाइम जो भी है ऐसी चीज़ें लोग करते हैं और इसी वजह से होता है क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट होता है ना अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एज में अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है तो दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन अभी और एक चीज़ जो पैशन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं वो है थर्ड पार्टी रिफ्लेक्शन थर्ड पार्टी रिफ्लेक्शन मतलब किसी और को पूछना कि कई सारी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों कि एक टेस्ट है कि अगर आपको खुद को खुद के बारे में नहीं पता बहुत ज़्यादा तो आप आपके करीबन लोगों से पूछो कि जब मैं नहीं होता हूँ आपके पास तो आप मेरे बारे में जब भी कभी बात करते हो किस चीज़ के बारे में बात करते हो या फिर मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं किस चीज़ के वजह से लोगों को लोग मेरे को जानते हैं तो लोग आपको ऐसे ऐसे पहलू दिखाएंगे आपके पर्सनालिटी के कि आपको लगेगा यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि यार ये एक यूनिक चीज़ है मेरे में एंड वेन दे टेल यू कि ये यूनिक चीज़ है आप में देन यू विल नो कि हाँ एक शायद पैशन बन सकती है ये ही तीन चार कुछ चीज़ें कि जो पैशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को तो यही लगता है कि ट्राई करके देखना और रिफ्लेक्ट करना लोगों से पूछना तो है और टाइम का सेंस खो देना वो भी एक टेस्ट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना एंड देन चूजिंग फ्यू ऑफ दोज थिंग्स टू डू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ आप सबको सिक्सटीन पर्सनैलिटीज़ डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है और ये जो वेबसाइट है इस पर आप एक पर्सनालिटी टेस्ट ले सकते हो और ये प्रमोशनल नहीं है सबसे पहले बता रहा हूँ इस पर आप ये टेस्ट ले सकते हो एंड इट विल टेल यू योर पर्सनैलिटी टाइप और इस ये वेबसाइट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये पर्सनैलिटी टेस्ट डॉट कॉम पर आपको आपकी पर्सनैलिटी टाइप बता देगा वो और कौन से करियर्स आपके लिए सही है ये भी बता देगा तो ये ज़रूर ट्राई करना कि सिक्सटीन पर्सनलिटीज़ डॉट कॉम पर विजिट करके आपकी पर्सनैलिटीज टेस्ट कर लेना और अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज होती है उसके हिसाब से अलग अलग करियर्स चुनना फायदेमंद हो जाता है लाइफ में तो वो भी चीज़ ध्यान रखो जो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी कोई पैशन नहीं है तो इट्स ऑल राइट जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तीस साल का हो गया मैं पैंतीस साल का हो गया मैं चालीस साल का हो गया और मेरे को मेरी पैशन नहीं पता तो इट इज़ कंप्लीटली फाइन कुछ लोग ये सोचने होंगे कि मेरी जो कोर वैल्यूज़ है उन पे मैं काम करना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ प्रिंसिपल्स है कि जो जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ मेरे लाइफ में तो दैट्स आल्सो ओके पैशन होना ज़रूरी नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को अनाथ लोगों के लिए काम करना है या फिर अनएजुकेशन अनएजुकेटेड लोगों के लिए काम करना है तो एक वैल्यू एक तरह का एथिक है या फिर प्रिंसिपल है तो वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ उसमें लगा देते हैं एंड दे एंजॉय दैट तो उसको हम नेसेसरीली पैशन ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर अ ग्रेट कॉज तो ऐसे लोग भी होते हैं और ये सब एक्सेप्टेबल है ये वीडियो आपको इस समय पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत कन्फ्यूज रहते हैं हमेशा करियर के हिसाब से एंड लोग मेरे को भी पूछते हैं कि आपने जैसे आपने YouTube चैनल शुरू किया आपने इतने जॉब छोड़ दिए तो ऐसा क्यों किया बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई सो मेनी थिंग्स अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो मैंने मेरे अर्ली ट्वेंटीज़ में मिड ट्वेंटीज़ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की मैंने एक्टिंग ट्राई की मैंने थिएटर ट्राई किया मैंने डांसिंग भी ट्राई किया मैं फुल टाइम एक्टर बनना चाहता था मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया मैं पिंटा वीडियोज़ बनाता था मैं एजुकेटर बनना चाहता था मैं एजुकेट भी किया लोगों को मैं अलग अलग चीज़ें करके देख रहा हूँ अभी भी एंड आई ट्राई टू ग्रैब डिफरेंट स्किल्स तो जब आपको आपका एक्साइटमेंट पता चल जाता है कि हाँ मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा जैसे मेरे को ना जब मैं सोचता हूँ कभी बैठ के कि यार मेरे को सही में किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मेरे को ना बोलने में बातें करने में सवाल पूछने में कनेक्शंस बनाने में नेटवर्किंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बट इसको मैं करियर में या फिर वैसे कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल था लेकिन यूट्यूब से मेरे को ये एक वे मिल जाता है लोगों से कम्युनिकेट करने का मेरी बातें सबके सामने रखने का या फिर मैं पॉडकास्ट करता हूं तो मैं लोगों से सवाल पूछता हूं मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी के साथ बात करता हूं और बात करने के बाद मेरे मैं कुछ सीखता हूं तो ये भी एक पैशन की तरह मैं ट्रीट करता हूं ऑफ कोर्स कभी कभी लाइफ प्रायोरिटी ले लेती है मैं बाप बना कुछ दिन पहले ऑन लिटरल टर्म्स में आई अ फादर नाउ अभी मैं मेरी बेटी दो साल की है तो चीज़ें थोड़ी बैकशीट ले लेती है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अब चीज़ें वापस नहीं आएंगी अभी मेरे को हमेशा लगता है कि लेट्स गो बैक ऑन यूट्यूब एंड अभी फिर से बात करूँगा सबके साथ तो ये बैक ऑफ द माइंड रखो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा आपकी पैशन जो है ना वो करियर में कन्वर्ट नहीं होगी एंड दैट्स फाइन करियर अगर आपको पैसा देता है करियर आपको अगर एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देता है कि जो आपकी लाइफ में आप फैमिली को टाइम दे सकते हो आपके पैशन को टाइम दे सकते हो आपको कॉज को टाइम दे सकते हो तो दैट्स ऑल्सो फाइन तो ये जरूरी नहीं है हमेशा हर किसी के लिए कि पैशन फाइंड आउट करना ही है और पैशन पे ही काम करना है लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू आर एबल टू वर्क फॉर योर लाइफ टाइम ऑन समथिंग दैट यू रियली रियली लव तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप किसी चीज़ को इतने प्यार से करते हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको इतने पैसे मिल रहे दू तो विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आपका सीखने का झील बहुत सही रहता है एंड कनेक्शन का भी झील बहुत सही रहता है उस चीज़ में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का अभी डालने का मतलब यही था कि क्योंकि अभी नए लोग अगेन करियर चुनेंगे ब्रांचेस चुनेंगे तो उनको ये सब काम आएगा लेकिन एट द सेम टाइम आई होप कि जो भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो सारे लोग ये वीडियो इन्जॉय करेंगे एटलीस्ट ये डिस्कशन करेंगे अपने फैमिली में दोस्तों में और ये पैशन फाइंड आउट करने की जो भी चीज़ें हमने बात की वो सारी बात करेंगे आपको अगर कुछ भी चीज़ लगती है कि जो मैंने शायद मिस कर दी वो कमेंट सेक्शन में डालो क्योंकि पैशन बहुत वेक टर्म है और काफ़ी क्रूप टर्म है तो डरो मत लेकिन कमेंट्स में डालो एंड uh, मैं बहुत देख रहा हूँ कि लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ये मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है गिव इट अ थम्स अप लाइक करोगे शेयर करोगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा एंड आई रियली रियली वॉन्ट माई पैशन टू गेट बैक बिकॉज मेरी पैशन यही है बातें करना यूट्यूब पर लोगों को गाइड करना कुछ इम्पैक्ट बनाना एंड आई रियली होप आई आई एल कीप ब्रिंगिंग सच टॉपिक्स फॉर ऑल ऑफ यू सो मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए टाटा